अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके पास हाज़िर हुए हैं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं और अभी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं झेलम में एक स्ट्रीट लेवल में पिज़्ज़ा फ्राइज़, और फिर उसके बाद हम जाएंगे OPTP पे और वो भी ट्राई करेंगे। तो चलें पहले इसे ऑर्डर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आ जाए, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा पहली तो बात ये है कि हमें चाहिए ना ये पिज़्ज़ा फ्राइज़, तो स्माल वाला चाहिए, ठीक है? तो कौन सा जो है टेस्ट में भी सही हो और मज़ा भी आए? ऐसे करें, आप ट्राई करें चिकन टिक्का, क्योंकि इसमें हमारा स्मोक चिकन है, तो अच्छा ये हमारा स्पेशल है, ये ट्राई करें इंशाल्लाह पसंद आए। चिकन टिक्का जी, इसमें और फ्लेवर्स भी हैं, क्रिस्पी चिकन नगेट्स, चीज़ लवर्स। अच्छा दूसरी बात कि मैं वीडियो बना सकता हूँ मेकिंग करते हुए? जी बना। चलो सही है, अंदर आ जाओ। जी आ जाओ। तो दोस्तों ये अभी आप देख रहे हैं, ये हाफ फ्राई थे और अभी इनको ये फ्राई करने के लिए रख दिया गया है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आपके फ्राइज हमारे आ चुके हैं और अभी ये बनाना शुरू होने लगे हैं। ये इनके मसाला वगैरह हैं वो जो ऐड हो रहे हैं। अच्छा भाईजान कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं और यहाँ से स्टार्ट किया था? जी यहाँ से स्टार्ट। सही है। और ये कराची वाला क्या सीन है, ये जो भाई लिखा हुआ आपने कराची वाला टेस्ट? ये दरअसल मसाले वगैरह हम कराची से मंगवाते हैं सारे। अच्छा ये कराची के जो है? हाँ, फ्राइज के सारे फ्लेवर्स, और मेन बात ये कि कराची की डिश है ये। अच्छा ये कराची की डिश है जी। क्या बात है, ये देख सकते हैं आपके इसमें ये क्या चीज़ ऐड हो रही है? ये हमारी सिग्नेचर मायो है। ये आपकी सिग्नेचर मायो है जी। सही है। ये जनाब इनकी स्पेशल है। तो क्या रिस्पॉन्स है आपका काम वगैरह का इधर? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, यहाँ पे पहले दिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। सही। ये हमारा स्मोक चिकन होता है, इसमें 3-4 फ्लेवर्स होते हैं, एक क्रिस्पी चिकन होता है, एक स्मोक चिकन होता है, एक नगेट्स वाला होता है। अच्छा अच्छा, क्रिस्पी स्मोक और नगेट्स। हाँ, तो उसमें सब में ये फ्राइज भी हैं, पिज़्ज़ा फ्राइज हैं, लेकिन सब के ऊपर चिकन की टॉपिंग चेंज होती है। चेंज होती है जी। क्या बात है। क्रिस्पी चिकन के अंदर जिंगर की टॉपिंग होती है, और जो टिक्का है उसमें स्मोक होता है, उसमें स्मोक चिकन, और जो नगेट्स है वो किसमें होता है? वो नगेट्स के छोटे छोटे कटलेट से बने हुए होते हैं। तो उसका मतलब नाम क्या रखा हुआ है? नगेट्स फ्रीजर। अच्छा, तो ये हमारी आ चुकी है चीज़, बहुत ही हैवी किस्म की है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि भाई साहब ने काफ़ी सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, ये कैप भी पहनी हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैम समझ लो कि 2-3 शॉप पे ऐसा देखा है। वाह, ये आ गए हमारे मसाले। तो दोस्तों हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ आ चुके हैं तैयार होके, और अभी ये टेस्ट करेंगे, देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं OPTP, तो वो भी टेस्ट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वाह क्या, क्या बात है यार, बहुत हैवी। बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़े के हैं, स्पेशली जो मसाला और इसमें चिकन ऐड हुआ है ना, उसका तो डबल मज़ा है। और अभी हम चलते हैं OPTP, वो रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक और पॉइंट पे जो कि OPTP है, और यहाँ पे झेलम में तो 2 ही पॉइंट ऐसे जो पिज़्ज़ा फ्राइज दे रहे हैं, तो चलिए अब इनके ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे हैं। वाह सलाम भजन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वो जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं आपके पास, वो हमने ट्राई करने हैं आज। अच्छा अच्छा
नहीं मुझे जस्ट फ्राइज चाहिए। ठीक है सर। ठीक है फ्राइज हो और लाइक वो ही हो। ठीक है सर। डाइनिंग ही करेंगे जी। और उसका वो आपने बताना है रेट वगैरह क्या है, टैक्स वगैरह मिला के। आपको जो लोटस प्राइस है ना 449 प्लस टैक्स 520। 520 प्लस टैक्स होगा। नहीं 520 इंक्लूडेड टैक्स। अच्छा इंक्लूडेड टैक्स है। ठीक है वो लगा दें फिर। एक इसके अलावा और कुछ जी? बस यही है। एक कोई रेगुलर ड्रिंक कर दें छोटा। कितना टाइम लग जाएगा इसको? 15 मिनट। ठीक है लगा दें। दोस्तों अभी OPTP के फ्राइज भी आ चुके हैं तैयार होके और इस पर भी काफ़ी कुछ ऊपर उन्होंने टॉपिंग की हुई है, तो अभी ये टेस्ट करेंगे। बाकी प्राइस में ये थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि इनके जो टैक्स वगैरह भी होते हैं जो हमें साथ उनको पे करने पड़ते हैं। तो अभी चीज़ क्या है और कैसी है ये खा के बताते हैं। ये देखो चीज़ से भरा हुआ है पूरा। हैवी है जो चीज़ का टेस्ट है ना इसका, वो डिफरेंट है और मज़े का है। जो इनके पिज़्ज़ा में भी वही चीज़ है जो टेस्ट देती है। बाकी नीचे इनकी सॉसेज वगैरह भी पड़ी हुई हैं और थोड़ा सा स्पाइसी भी है। ये कंप्लीट करते हैं और फिर आपको एंड पे बताते हैं रिव्यू कौन सा अच्छा था और कौन सा नहीं था। तो दोस्तों फ्राइज़ हमने दोनों जगह से ट्राई कर लिए हैं और अभी मतलब ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि ये अमाउंट में थोड़े कम थे और दूसरी बात कि मतलब एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है तो अगर आप थोड़े कम रेंज में अच्छी चीज़ खाना चाह रहे हैं तो आप लाजमी भाई के पास जाएं जो फर्स्ट वीडियो में थे। ठीक है उसमें तो वो एक तो काफ़ी ज़्यादा थे और दूसरा वो 450 में थे और ये मेरे ख्याल से 540 समथिंग है मतलब टैक्स वगैरह डाल के। और इनका आपने बॉल वगैरह भी देखा है छोटा है इनका। तो उसके अलावा आप इसमें थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा थी और उसमें सॉसेज वगैरह जो थे ना वो बहुत बैलेंस थे। मतलब ऊपर से भी आपको नज़र आया था चीज़ अच्छी थी, फिर नीचे उनकी सॉस थी एक स्पेशल जिसमें वो भरा हुआ था। तो बेसिक मतलब कि दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे हैं। इनकी जो चीज़ है जो वो ज़रा इनका टेस्ट डिफरेंट है चीज़ का, उनका एक रेगुलर टेस्ट है चीज़ का। तो अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हैं। बाकी अब खुद टेस्ट करें और खुद ही खा के इसको ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।